हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू आर चैनल। सुबह हो गई है और हम बहुत एक्साइटेड हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ये चेयर पे कौन बैठेगा, दीदी या सिकंदर, ये बात हो रही है। दीदी का स्पॉट है वैसे ये, सिकंदर विंस। चलो, विनर्स कीपर्स लूजर्स वीपर्स, कोई बात नहीं दीदी, नेक्स्ट टाइम, सबका नेक्स्ट टाइम आता है, आपका भी ज़रूर आएगा। इफ यू गाइज विल बिलीव मी और नो, बट मैं ना मेरा नेक दुख रहा था थोड़े दिन, एंड मैं आई जस्ट टुक सन फॉर अ बिट, लाइक मतलब सुबह का जो सन होता है ना वो मैंने लिया 5 मिनट्स के लिए ऐसे, मतलब जैसे सन यहाँ आ रहा है तो मैं यहाँ लेती थी, एंड एक्चुअल में ठीक हो गया, मच बेटर हो गया। तो डोंट टेक द सन लाइटली and your D3 levels lightly. Please take the sun and keep your D3 levels up. बहुत बहुत important है, especially for women. तो वो कीजिए। हाँ, और मुझे pimples आ रहे हैं, I feel like a teenager. Actually कुछ hormonal imbalance के वजह से हो गया है, मैंने dermat से अपने पूछा था, तो अभी टेस्ट वेस्ट कराने का तो मेरे पास टाइम नहीं मिला मुझे, पर मैं कराऊंगी एंड होपफुली ये ठीक हो जाए। मैं अब भी कह रही थी कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, ऐसा लग रहा है कि और रह लें यहाँ पे एटलीस्ट 2 more days। और दीदी पीछे से कहने लगे, यार आज लास्ट डे है हमारा, लास्ट डे क्या, अभी हम बस ब्रेकफास्ट करके निकल ही रहे हैं घर के लिए। सो यस, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम वील कम, नेक्स्ट टाइम आएंगे ज़रूर यहाँ पे, करेंगे चेयर, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम दीदी, आई कांट वेट। और इस बार डैड को भी लेकर आएंगे जब भी आएंगे, होपफुली लेट्स सी इफ दैट इज पॉसिबल। गुड मॉर्निंग, आज का ब्रेकफास्ट है इडली सांभर एंड 2 चटनीज। हम सब तो वैसे धूप से हमेशा बचते रहते हैं, पर जो ठंड में जो धूप का मज़ा होता है ना वो कुछ और ही होता है। तो बस हम यहाँ पे सब धूप के मज़े ले रहे हैं ठंड के टाइम पे, ओलिव, पारो, सिकंदर, मैं और दीदी। D3 भी मिल रहा है इसमें, फ़ायदा ही फ़ायदा है, वाह, मज़े एंड फ़ायदे। ओलिव मिलो मिलो मिलो, पारो से मिलो, आ जाओ। अरे कुछ नहीं करते डॉग दूसरे, कम आजा आजा, पारो तो खेलना चाहती है, सुने पारो तो इतनी प्यारी है, वो तो खेलना चाहती है ना पारो, आजा आलो खेलो, चलो आओ। पारो को लगे हुए हैं थोड़े बहुत इंसेक्ट्स, हैं सफाई नहीं हुई इसकी, चलो कान में भी लगे हुए हैं पिस्सू 2-3, चलो इसको ही निलाई करें, निलाई धुलाई कर देते हैं। वाला उठाना पड़ेगा इंजेक्शन, हैं नहीं लगा इंजेक्शन, तो क्यों नहीं लगाया मुझे इंजेक्शन, इधर आ गई वाले, ओ डर के बारे में आखिरी होगी जाके, इधर आ गई वाला, इतना डर लगता है, इधर आ गई। हाँ हाँ बैग लेने हैं, हो गई अमन, हाँ ले लो बैग, ले लो नीचे से, तो अब हम गाड़ी में बैठ गए हैं, सब लोग सेटल वेटल हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं बॉम्बे वापस, लेट्स गो। यस, आई डोंट वांट टू गो, दीदी सेइंग शी डज नॉट वांट टू गो, नोबडी वांट्स टू गो, बट सिकंदर की कल फ्लाइट है, दीदी के लिए रूम बुक किया हमने, वो याद है ब्रिज पे हमने दिखाया नहीं उनको, बट सिकंदर की कल फ्लाइट है तो हमें कल मतलब आज वापस पहुंचना ही पड़ेगा, तो लेट्स गो बैक। फाटक मिल गया हमको, ट्रेन 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 ट्रेन, विश मांगते हैं ना सिकंदर, कुछ करते हैं ना ट्रेन को देख के, क्या करते हैं? आई थिंक ट्रेन
ब्रिज से जा रही हो और तुम नीचे से पास करो तो मानते हैं। ओह ओके। आई डोंट नो। अरे विश है यार, कभी भी मांग लो, किसने क्या बताया कि ऊपर से जाए नीचे से जाए जैसे भी जाए, जब विश मांगने मांग लो यार, तुम्हारी विश है? खोलो फटाक खोलो। ओलिव, ओलिव की करता प्यासी, सुत्ता प्यासी। सुनो मैं नॉटी हो रही थी, मेरे को ना स्मेल आ रही है मेरी, TREAT, मुझे चाहिए कोई मुझे दे दे। नो पर नो, ओलिव दिस इज नॉट द टाइम। ग्रीडी कोर फाटक हैज ओपन्ड और जीपीएस दिखा रहा है वी आर 2 hours and 10 minutes अवे। ये हमको 5 घंटे लग गए थे आते समय, है ना? लेट्स सी अभी घर पहुंचते पहुंचते। अच्छा हाँ, हमको पहले सिकंदर को जाना है ऑफिस अपने, और मुझे जाना है मेरे टेलर के यहाँ। तो मतलब ये घर का रास्ता नहीं दिखा रहा है 2 hours, ठीक है, ये वहाँ तक का रास्ता बता रहा है, विच इज आई थिंक द हाँ द ऑफिस, सिकंदर के ऑफिस तक का बता रहा है। तो लेट्स सी वहाँ तक ही पहुँच जाए इतने टाइम में, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना? फ्रूट्स ले लो, फ्रूट्स। तो अभी हम एक वॉशरूम ब्रेक के लिए रुक गए थे, और एक छोटी सी मतलब दुकान है उनकी, और पीछे आई थिंक उनका घर था, और मैंने उनको बोला कि मैं वॉशरूम यूज़ कर सकती हूँ, एंड बहुत स्वीटली उन्होंने बोला हाँ हाँ, और रास्ता दिखाया ऐसे ऐसे ऐसे। आई थिंक उनका घर है, घर कम स्लैश ऑफिस, और बाहर उन्होंने छोटी सी दुकान लगाई थी चिप्स एंड कोला की। सिकंदर ने वहाँ से ले लिया एक थम्स अप, एंड इट वाज सो स्वीट। मतलब ये कोविड टाइम्स में भी इतनी कंसिडर और इतनी स्वीटली, जैसे होता है ना कि अतिथि देवो भवो ऐसे कुछ बोलते हैं ना, समथिंग लाइक दैट, आई मस्ट हैव प्रोनाउंस्ड इट रॉन्ग, बट वेरी स्वीटली कि हाँ कोई बात नहीं आओ। एंड आई थिंक अ वुमन अंडरस्टैंड्स अ वुमन, व्हेन यू हैव टू यूज अ वॉशरूम यू हैव टू यूज द वॉशरूम। सो या अब ये ऐसी गुडनेस याद रहती है लोगों की, है ना? तो हम लोग 2.5 hours में बॉम्बे पहुंच गए हैं, विच वी आर वेरी वेरी हैप्पी। वाई? बिकॉज सिकंदर को ऑफिस में काम है और मुझे टेलर के पास काम है, और दोनों जगह टाइम पे पहुंचना है, बिकॉज जो हमारे टेलर जी हैं वो खाना खाने के लिए अपने घर जाते हैं, और फिर जैसे दीदी ने पिछले ब्लॉग में कहा था, वो सिएस्ता लेते हैं अपनी, प्रॉपर आराम करके 5 बजे आते हैं। तो हम 5 बजे तक तो वेट नहीं कर सकते, और सिकंदर को भी ऑफिस में काम है, तो ऑफिस बंद होने से पहले हमें पहुँचना था। तो आई थिंक हम लोग टाइम पे, हमारे दोनों काम हो जाएंगे जस्ट बिकॉज हम टाइम पे पहुँचे। सो वेरी गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करना बनता था बस। तो हम लोगों ने हमारा जो टेलर का काम कर लिया है, सिकंदर ने ऑफिस का काम भी कर लिया है, और अभी सिकंदर हमें ऑन द वे मिलेगा। ओलिव की बस हो गई है, ओलिव इज लाइक प्लीज ह्यूमंस जस्ट गेट अ लाइफ, लेट्स रीच होम, स्लीप द होल डे। दिस इज ओलिव। नहीं 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 नहीं, अब उसने अपनी नींद पूरी कर ली है। अब हम जब बेचारे थक टूट के घर पहुंचेंगे, हमें लगेगा कि ओ हम अभी ना थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। नो 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 नो, तब ओलिव को खेलना होगा, क्योंकि उसने तो पूरा रेस्ट कर लिया है, पूरा सोते हुए आ रही है वो, तो उसने तो पूरी अपनी ब्यूटी स्लीप से लेके हर एक चीज कर ली है, है ना? तो तब हमें उसको कुछ बोलना पड़ेगा, प्लीज ओलिव, हाथ पे थोड़े जोड़ने पड़ेंगे, बट खेलना ही पड़ेगा हमें इसके साथ। तो बस अब देख लो स्लीपिंग ब्यूटी को, बिगड़ैल है ये, बिगड़ैल। हाँ वो तो है हमारी, हम नहीं बिगाड़ा है वैसे। हम पहुंच गए हैं घर, दिस इज 2 दिन के लिए गए थे हम, 2 दिन के लिए।
यस दीदी, ये सब दीदी का सामान है, सारा कुछ, ऑल दिस इज दीदी। ये क्या है, इतना सामान लेके जाते हैं? तो हम घर पहुंच गए हैं और इसी के साथ हम ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अब हम रिलैक्स करेंगे, थोड़ा चिल करेंगे, खाना वाना खाएंगे। तो बस आई रियली होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है, अच्छा लगा नहीं लगा जैसे भी लगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए। ओके, तो तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।